उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती की परीक्षा पूरे राज्य में आज शनिवार और रविवार को दो पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन ने ठोस उपाय किए हैं। कड़े सुरक्षा प्रबंध और हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। वहीं सीसीटीवी कैमरों से गहन निगरानी की जाएगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद भी उन्हें परीक्षा केंद्र प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पुलिस बल को और मजबूती देने के लिए 60,244 पुलिस आरक्षी पदों पर भर्ती कर रही है, जिसकी परीक्षाएं 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 2385 सेंटर पर आयोजित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB की अध्यक्ष DG रेणुका मिश्रा के अनुसार सरकार की मंशा के अनुरूप परीक्षा के लिए विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे। उनके द्वारा परीक्षा केंद्र ड्यूटी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती समेत अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा हर सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ सहायक केंद्र पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि 3 परीक्षा केंद्रों पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है। इतना ही नहीं, नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए उड़ान दस्ते भी मुस्तैद रहेंगे। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए, इसके लिए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की चेकिंग, फ्रिस्किंग एवं पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश फिजिकल फ्रिस्किंग, HHMD द्वारा फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट एवं फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही दिया जा रहा है। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन न होने पर FRIS कैप्चर करने की भी व्यवस्था की गई है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को नकलविहीन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा सभी जिलों को पुलिस अलर्ट मोड पर रखी गई है। इसी कड़ी में परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने के आरोपों में पूरे प्रदेश में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से लाखों रुपये और आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों में से 16 पूर्वांचल से हैं।